Hello everyone, my name is Dr. Naveed Akbar and today's topic is cell division. और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे माइटोसिस. तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. तो इन यूकैरियोट्स टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अकर्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. जितने भी यूकैरियोट्स हैं इनमें दो टाइप का सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. इन माइटोसिस अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड ईच सेल रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी कि क्रोमोसोम. जो माइटोसिस है उनमें पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और हर सेल के अंदर जो है सेम जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफर होता है. Since the number of chromosome in parent cell and daughter cell is same, it is also called equational division. क्योंकि जो parent cell से daughter cell में same chromosome number जो है वो transfer होते हैं, इसलिए mitosis को equational division भी हम लोग कहते हैं. जबकि meiosis में क्या होता है कि the genetic material must precisely half so that the fertilization will restore the diploid component. मियोसिस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ रिड्यूस टू हाफ हो जाता है और इसमें जो है जो इसकी सेकंड फेज आते आते जो हमारे जो डायप्लॉइड जो सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रह जाता है. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस में. और ये इसलिए होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो जो क्रोमोसोम नंबर जो है उसको कंप्लीट क्रोमोसोम को रिस्टोर कर सके सेल. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्पर्म सेल है या जो एग सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है. उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो थ्रू मियोसिस होता है. इसके बाद जब दोनों स्पर्म और एग सेल फ्यूज होते हैं जायगोट बनता है तो उसमें फिर से जो है वो रिस्टोर हो जाता है जेनेटिक मटीरियल, हाफ प्लस हाफ वो जो है फुल हो जाता है. तो इस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है उसे मियोसिस बोलते हैं. जबकि माइटोसिस में जो एग्जैक्ट कॉपी जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो थ्रू माइटोसिस होता है. माइटोसिस में क्या होता है, एग्जैक्ट जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है. माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर अ पेरेंट सेल इक्वली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. द टर्म माइटोसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882. जो माइटोसिस टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने सन 1882 में. ड्यूरिंग माइटोसिस वन राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय अ सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एंड जनरेट टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल. माइटोसिस में जो है जो एक राउंड डीएनए रेप्लिकेशन का होता है जिससे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. स्टेजेस क्या क्या हैं इसकी, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस फेज. द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. तो स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से. माइटोसिस इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू फोर सब स्टेजेस. माइटोसिस में फोर सब स्टेजेस होती है. कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इनके मीनिंग क्या क्या है, ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स बिफोर, मेटा मीन्स मिड, एना मीन्स बैक एंड टीलो मीन्स एंड. प्रोफेज, द प्रोफेज जो है द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम ईच ऑफ व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. जो प्रोफेज के जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, अपीयरेंस ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम. पहले जो है कंडेंस्ड क्रोमोसोम अपीयर होते हैं जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है. द कंडेंस्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स are then held together at the centromere. अगर किसी को क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है तो मैंने इस पे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि क्रोमेटिड्स,
क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स किसे बोलते हैं, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। द कंडेंस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर देन हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। जो कंडेंस क्रोमेटिड्स होती है वो सेंट्रोमियर पे आके आ जाती है। एट सेंट्रोमियर द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर केप्ट टुगेदर बाय अ मेम्ब्रेन बाय अ मेंबर ऑफ एसएमसी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम फैमिली ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोहेसिन। कोहेसिन जो सेंट्रोमियर में जो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं वो कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखता है। प्रोफेज एंड विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और प्रोफेज जो है कुछ नीचे आप पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इस तरह से प्रोफेज स्टेज का एंड होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो आपके सेंट्रोमियर है वो एक एंड पे चला जाता है, दूसरा सेंट्रोमियर जो है वो दूसरे एंड पे चला जाता है और इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेज स्टार्ट होता है। अब एक बात करते हैं, व्हाट इज माइटोटिक स्पिंडल। द न्यूक्लियर डिवीजन इज मीडिएटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड माइटोटिक स्पिंडल व्हिच सेपरेट्स द क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियर डिवीजन जिनके थ्रू मीडिएटेड होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड जो स्पिंडल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। द माइटोटिक स्पिंडल इज ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप्स के होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स किन्हें बोलते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स विच अटैच विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स। जो काइनेटोकोर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से जुड़े रहते हैं और दूसरा आपके काइनेटोकोर किससे जुड़े रहते हैं, क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं। क्रोमोसोम से एक के साथ ही एक प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है जिन्हें काइनेटोकोर्स बोलते हैं। ये काइनेटोकोर्स और आपके क्रोमोसोम्स और ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्रोमोसोम्स से आके अटैच हो जाते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो जबकि क्रोमोसोम से इंटरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं। इसी तरह से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो शॉर्ट होते हैं थोड़े से साइज में, विच फॉर्म द एस्टर एंड रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द कोर्टेक्स ऑफ द सेल। ये अपोजिट साइड के होते हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल साइज के आपको दिख रहे हैं ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। और जिनसे क्रोमोसोम जुड़े हैं ये काइनेटोकोर और इनके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज हैं ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इन ये जो माइटोटिक स्पिंडल हैं ये तीन तरह के होते हैं। ये जो पिक्चर है ये मेटाफेज की है, मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली पिक्चर। अब आते हैं मेटाफेज में, प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज इज एन एक्सट्रीमली डायनेमिक पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। टू अटैच टू स्पिंडल फाइबर ईच क्रोमोसोम हैज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ काइनेटोकोर। इट इज लोकेटेड एट द सेंट्रोमियर। यहाँ जो ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के यहाँ सेंट्रोमियर पे जो काइनेटोकोर अटैच रहते हैं जिससे माइक्रो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं। देयर आर टू काइनेटोकोर ऑन ईच क्रोमोसोम फेसिंग ईच अदर। दो काइनेटोकोर होते हैं, एक तो इस साइड होगा जो एक इधर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होगा, एक इस साइड होगा जो इधर वाले काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होगा। और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ जो है पुल करते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एनलार्ज होते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब साइज इनका बढ़ता है और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनका साइज बढ़ता है और ये आके क्रोमोसोम्स से अटैच हो जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, बीच में सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। इस फेज को बोलते हैं मेटाफेज। अब आते हैं एनाफेज। At anaphase, the kinetochore microtubule pull the two kinetochore towards the opposite side. Anaphase में क्या होता है, kinetochore microtubule जो है
उसको पुल करने लगते हैं अपनी अपनी साइज की तरफ. सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर बाय मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोहेसिन. अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सिस्टर क्रोमेटिन जो है वो पुल नहीं, सेपरेट नहीं होते हैं. कब तक? जब तक कि वो कोहेसिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड रहते हैं. ड्यूरिंग एनाफेज सेपरेस अ यूबीक्यूटस सिस्टीन प्रोटीएज डिग्रेड कोहेसिन. और एनाफेज के दौरान एक सेपरेस प्रोटीन आता है जो कि कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड करता है. जब कोहेसिन प्रोटीन जो है डिग्रेड हो जाता है तब जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तब तक जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं. किसकी वजह से? कोहेसिन की वजह से. अ सिक्योरिंग प्रोटीन कीप्स सेपरेस इनएक्टिव. और ये सेपरेस जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है क्योंकि इससे सिक्योरिन जो है अटैच रहता है. द डिग्रेडेशन ऑफ द सिक्योरिन रिलीज सेपरेस विच इज देन फ्री टू क्लीव द कोहेसिन कॉम्प्लेक्स. और जब सिक्योरिन जो है वो डिग्रेड होता है तब सेपरेस जो है एक्टिव होता है और आके जो है क्लीव करता है कोहेसिन कॉम्प्लेक्स को. द डिग्रेडेशन ऑफ सिक्योरिन इज मीडिएटेड बाय एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम APC/C अ यूबीक्यूटिन लाइगेज. जो इसका सिक्योरिन का डिग्रेडेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? APC/C अ यूबीक्यूटिन लाइगेज एक एंजाइम होता है, इसके थ्रू. इसको बोलते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स oblique cyclosome. Each chromatid is pulled slowly towards the pole its face. और इसके बाद जब cohesin protein cohesin हट जाता है तो जो chromatid है वो धीरे धीरे poles की तरफ जाने लगते हैं. तो ये जो है ये केस को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूरिंग लेट एनाफेज. ये देखिए, ये एक पिक्चर मैंने रफ एक इसमें दिया है, आपको समझने में इजी होगा. ये कोहेसिन प्रोटीन है जो आपस में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े रहता है. इसी के साथ क्रोमोसोम में एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसको कंडेंसिन बोलते हैं, जो क्रोमोसोम को कंडेंस फॉर्म में रखता है. तो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक तो कोहेसिन, एक कंडेंसिन. तो मेटाफेज में कुछ इस तरह से ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये बीच में इसके कोहेसिन जो है कोहेसिन से अटैच रहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेस इनएक्टिव है, सिक्योरिन के साथ बाइंड किया हुआ है, तो APC/C कॉम्प्लेक्स आता है, सिक्योरिन को डिग्रेड करता है और सेपरेस को एक्टिवेट करता है. ये सेपरेस जो है हमें पता है एक यूबीक्यूटिन लाइगेज है जो जाके क्या करता है, क्लीव कर देता है इसको कोहेसिन को, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अलग अलग हो जाते हैं. तब एनाफेज. तो इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब लास्ट में आता है आपका टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. इन टेलोफेज द सेपरेटेड क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स एंड द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल डिसअपीयर. टेलोफेज में क्या होता है, जो सेपरेटेड जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ अराइव हो जाते हैं, पोल्स की तरफ जाने लगते हैं और माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं. और इसमें जो कंडेंस जो क्रोमेटिन है वो एक्सपेंड होने लगता है, मतलब क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन्स के उसमें आने लगता है ये. और इसमें साथ साथ जो है इसमें एक साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता है. साइटोकाइनेसिस बिगेन इन एनाफेज एंड एंड इन टेलोफेज. साइटोकाइनेसिस जो है एनाफेज में बिगेन हो जाता है और टेलोफेज में एंड होता है. तो जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, द सेल साइकिल कल्मिनेट्स इन द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बाय साइटोकाइनेसिस. और किसी भी सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो हर माइटोसिस के प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे जो दो सेल्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं. बीच में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है ड्यूरिंग टेलोफेज और ये दो सेल्स को आपस में डिवाइड कर देता है. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, इनका जो एम्ब्रायो होता है उसमें जो माइटोसिस होता है वो विदाउट साइटोकाइनेसिस होता है और क्या होता है, बिकम मल्टीन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट बन जाता है.
बाकी जो यूकेरियोट्स हैं इनमें साइटोकाइनेसिस सभी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से माइटोसिस के थ्रू एक सेल जो है तो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है विद एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।